नमस्कार मैं आपका अपना श्रावण सी एल सी सीकर से टेक्नो 2023 का वीडियो सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं चलो वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ बात मैं आपसे कर लेता हूं 13 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट में 20 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के सात डिस्ट्रिक्ट में और इन दोनों पेपर का सोल्यूशन हम लोग आज बुधवार तेईस नवम्बर को अपलोड कर रहे हैं आप वीडियो देखें पूरा कि आपके जो जहां लॉग इन किया था सी एल सी टेक्नो डॉट कॉम पर वहां इसकी फायदे की है वैसे सोल्यूशन के साथ तो की तीसरे बताए बता ही रहे हैं आपको बाकी की के फॉर्मेट में आपने जो लॉग इन किया था वहां आप लॉग इन करोगे तो आपको अपने पेपर की की मिल जाएगी अपने मार्क्स जोड़ो और आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में आंसर में लगता करेक्शन है तो दोस्तों आप इस नंबर पे पंचानवे दो सौ बारह छत्तीस पाँच सौ पचपन पे बाकायदा आपका जोन कौन सा था क्लास कौन सी है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसका फोटो खींच के इस पर व्हाट्सअप कर दो वैसे चांस नहीं है कलेक्शन के फिर भी हमारा जो सिस्टम पूरा ओपन है पूरा ट्रांसपेरेंट है तो बड़े खुल के बोलते हैं और डियर आप जानते हो अभी एक फेज का एग्जाम बाकी है राजस्थान के करीब सत्रह जिलों में एग्जाम बाकी है हरियाणा पूरा बाकी है जहां एग्जाम चार दिसंबर को हो रहा है तो आपके अन्य कोई भी दोस्त जो हरियाणा में रहते हैं जो फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के एग्जाम दे चुके उनके अलावा बाकी जो बच्चे जिले हैं वहां आपके कोई परिवार के बच्चे रहते हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपको 4 दिसंबर को सीएलसी के होने वाले टेक्नो देनी चाहिए एग्जाम का आप जानते हो चार्ज को है नहीं वही प्रोसेस तो आप सब जानते हो ओके दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा सीएलसी कौन कौन से कोर्स से चलाता है मैं बता देता हूँ लो. हम लोग बारहवीं क्लास के बाद टारगेट कोर्स लेते हैं नीट के लिए जेई के लिए एनडीए के लिए टेंथ के बाद हम लोग लेते हैं फाउंडेशन कोर्स इलेवंथ ट्वेल्थ दो साल के लिए वो नीट जे एनडी के लिए बहुत से बच्चे ऐसे भी इस वीडियो देख रहे हैं जो तो इलेवंथ में किसी लोकल स्कूल में लोकल कोचिंग अटक गए अब जब वो लोकल इलेवंथ पढ़ा तो उनको पता लगा भाई नीट और जेई में तो फिफ्टी परसेंट आता है और फिफ्टी परसेंट आता है उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि अब हम क्या करें तो आपकी सी एल इन वन के नाम पर कोर्स चलाती है टू इन वन उस कोर्स में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सिलेबस कवर किया जाता है और ये सारे कोर्सेज का पहला फेज जो है अगले सेशन के लिए वो हम शुरू करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2023 को इलेवंथ के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी टारगेट के लिए भी और टू इन कोर्स के लिए भी और मान लो बाई चांस आपकी इलेवंथ की एनुअल एग्जाम पूरी नहीं होती है तो जैसे आपकी इलेवंथ की एग्जाम पूरी हो जाती है आप टू इन वन को आके ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा छह सात आठ नौ दस में हम करते हैं प्री फाउंडेशन यानी आजकल नीट जे एनडी की प्रिपरेशन है वो छठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों तो अर्थ निकला आथ, दस प्री फाउंडेशन फाउंडेशन आफ्टर टारगेट कोर्स ये तो हमारी कोचिंग का एक फॉर्मेट है इसके अलावा यदि आपको स्कूल करना है तो हमारा कृष्णा विद्या मंदिर केवीएम के नाम पे सीकर में बड़ा पैरा स्कूल है जो छह सात आठ इंग्लिश मीडियम में है नौ दस ग्यारह बारह हिंदी मीडियम भी है इंग्लिश मीडियम भी है साइंस भी है आर्ट्स भी है और एग्रीकल्चर भी है, उसके जो का, स्कूल है। का हमारा कई के साथी चलाते हैं तो वहां बहुत सारे कोर्स लेते हैं हमारे उस कैंपस में केवल और के सीबीएसई का है जो प्री प्राइमरी से लेके ट्वेल्थ तक है सीकर के आसपास के साथ इस वीडियो देख रहे हैं। तो जो अपना स्कूल है सीएलसी इंटरनेशन स्कूल जो पहले बिहार के नाम पे था उससे 45 किलोमीटर रेडियस में बस की व्यवस्था रहेगी केवीएम के भी 45 किलोमीटर के रेडियस में कन्वेंस की व्यवस्था रहेगी तो आप सीएलसी के साथ प्री प्राइमरी से लेके नीट जेई एनडी के लिए जुड़ सकते हैं सीकर में बहुत लोग काम करते हैं मैं तय कह सकता हूं श्रेष्ठ काम आपकी सीएलसी करती है दी बेस्ट काम आपकी सीएलसी करती है तो डियर जुड़े सीएलसी के साथ अगले सेशन के लिए आप जानते ही हैं बीस दिस दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा आपके नगद पुरस्कार हैं आपकी स्कॉलरशिप है आपके, है, आपके रिवार्ड्स हैं पांच बच्चों को विदेश का ट्रिप भी है हाँ, रिवार्ड्स के लिए एडमिशन देता नहीं है बट केस प्राइज के लिए स्कॉलरशिप के लिए और फॉरन ट्रिप के लिए एडमिशन अगले में होना संस्था के लिए बात देता है तो ये कुछ बात आपसे हुई उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा गया था आपने अच्छा एंजॉय किया होगा इंस्टीट्यूट के इस एग्जाम को दोस्तों जुड़े रहे सीएलसी के साथ आगे भी जुड़े हां सेल्स सीकर हमारा यूट्यूब चैनल है एक सेल्स सीकर हमारा फेसबुक पेज है जहां करीब के सप्ताह में दो तीन बार लाइव आकर बात भी करता हूं तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए मेरे साथ ताकि आपको संस्था क्या क्या अपडेट करता है सब तो पता चलता रहे हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी सूचना है अलवर में भी हमारा संस्था है जहां हमारा स्कूल भी है और कोचिंग की ब्रांच भी है और 31 जनवरी 2023 को हमारी जयपुर ब्रांच वापस रीओपन कर रहे हैं कोरोना में जिसको हम दो साल के लिए एक बार बाइंड अप कर दिया था बाइंड अप तो नहीं कर सकते पोस्टपोन किया था वहां के प्रोग्राम को तो डियर 31 जनवरी 2023 से जयपुर सी सी वही गोपालपुर बाईपास पे वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके डियर तो मिलते हैं सी सी आए आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ आपका अपना श्रवण नमस्कार हेलो आई एम गोविंद गजानी फ्रॉम सी एल सी सीकर सी एल कंडक्टेड सी एल सी टेक्नो ट्वेंटी थ्री

ये पूरे का पूरे पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो जाएगा थ्री और थ्री माइनस थ्री क्या होता है इक्वल टू जीरो देन ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड हेयर इज फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय सेवन प्लस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस फोर्टीन यहां पे दोबारा अपने को बॉड रूल एप्लीकेबल करना पड़ेगा नाउ थर्टी इज डिवाइडेड बाय फोर क्या जाएगा नाइन फोर्टीन इज मल्टीप्लाई बाय सेवन नाइनटी एट बीच में प्लस है प्लस का क्या है आपका फोर्टीन सारो को ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया वन ट्वेंटी वन देन ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस टेन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस वन वापस रूल तीनों क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल हुआ है यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिफ्टी सिक्स इज डिवाइडेड बाई 14 वी गेट अ फोर नाउ फोर इज मल्टीप्लाई बाई थ्री इक्वल टू ट्वेल्व तो यहां से इन तीनों से इन तीनों से आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा ट्वेल्व नाउ ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस टेन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस वन नाउ टेन इज डिवाइडेड बाय फाइव

फुल हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ मूड कैन पॉट कंटेंस पॉट के अंदर कितने आपके मूड के स्कूप आ सकते हैं ये आपको पूछना चाह रहा है तो हमने लेट कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पॉट कंटेंस पॉट कंटेन पॉट कितना कंटेन करेगा मान लो एक्स स्कूप्स कंटेन करेगा अब हम बात करते हैं रमेश ने क्या किया है टू थर्ड ठीक है टू थर्ड ऑफ मूड पहले से था मतलब टू एक्स अपॉन थ्री ये निकालने के बाद में ये हो गया ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव रमेश ने क्या किया था एटीन स्कूप बाहर निकाले थे और सुरेश ने ट्वेल्व स्कूप्स अंदर डाले थे ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे एक तो रिमूव कर रहा है और एक आपका क्या कर रहा है एडिट कर रहा है तो रिमूव एंड एडिट तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया दोनों का डिफरेंस हो गया सिक्स मतलब

टेन एक्स माइनस नाइन एक्स कितना एक्स होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिफ्टीन इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना है आपका तो नाइनटी टोटल नंबर नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच पेयर बेस्ट कंप्लीट द नंबर सेंटेंसेस ये कह रहा है कौन सा पेयर इस नंबर सेंटेंसेस को क्या करेगा कंप्लीट करेगा तो हमें यहां पे क्या मिल रहे हैं टू जीरोस मिल रहे हैं देखो पे टू है अगर इससे पहले अगर टू जीरो और यूज करेंगे तो फोर जीरो पे थ्री रॉन्ग देखो यहाँ पे टू जीरो मिल गया कितने जीरो होने होने चाहिए थ्री होने चाहिए लेकिन यहाँ पे कितने है फोर है मतलब ये भी रॉन्ग है यहां पे कितने जीरो है वन जीरो जीरो और टू जीरो मिलकर कितने हो जाएंगे थ्री जीरो पे थ्री जीरो नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सिक्स सिंपल से आपको सीधे से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा 118 11 856 नाउ पेको स्टोरड 45 बॉक्सेस ऑफ प्लम इन ईच बॉक्सेस हैव अ 355 प्लम्स हाउ मेनी प्लम्स डस पेकोस स्टोर हैव इन ऑल उसके स्टोर के अंदर कितने प्लम्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15525 एलेक्स बाय सिक्स प्लेन टिकट ऑफ फ्लोरिडा फ्लोरिडा की उसने थी इन ई टिकट इज एव टी एट फाइव ट्वेंटी हाउ मच विक्स टिकटेडर अगर उसने सिक्स टिकट साथ में परचेज की है तो उसके लिए उसको क्या चार्ज पे करना पड़ेगा तो क्या करेंगे फाइव ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय सिक्स कर देंगे थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी एट डॉलर थिएटर कैन सीट फोर सिक्स एटर फोर सिक्स क्या हो सकते हैं बैठ सकते हैं इफ दिए वीक सीट का रूल है कि वन सीट जो है ना वन वीक के लिए क्या करेगी फिल रहेगी हाउ मेनी सीट वर सोल्ड फॉर थ्री वीक्स थ्री वीक्स के लिए कितनी सोल्ड एक वीक के लिए क्या हो गया एक पर्सन जो टिकट लेगा वो एक वीक तक बैठेगा मतलब यह भी कह रहा है कि मतलब

कर देंगे टू फोर अपॉन फाइव इन टू सेवन अपॉन फाइव देन आंसर बिकम ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेंटी नाउ सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय नाइन अपॉन टेन सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव इज डिवाइडेड बाय नाइन अपॉन टेन सेम क्वेश्चन सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन अपॉन फाइव की टेबल से टू टाइम फाइव की टेबल से फाइव टाइम्स थ्री की टेबल से टू टाइम थ्री की टेबल से आपका हो जाएगा ये थ्री टाइम्स यहां पे क्या आ जाएगा फोर अपॉन फिफ्टीन विल बी करेक्ट आंसर देन ऑप्शन नंबर थ्री विल बी अ करेक्ट आंसर नाउ सेवन अपॉन टेन प्लस सिक्स अपॉन फिफ्टीन इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स प्लस सेवन अपॉन टेन नाउ देखो सेवन अपॉन टेन वापिस रिपीट आ गया तो यहाँ पे की जगह क्या आना चाहिए upon 15, तो तो का में आपका क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे पहले इमर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय फाइव अपॉन टू डिवाइड में फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वन इज मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव देन आंसर बिकम्स टू अपॉन फाइव विल बी अ करेक्ट आंसर देन टू अपॉन फाइव ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी अ करेक्ट आंसर नाउ शाहरुख हैज डजन बनाना शाहरुख के पास डजन बनाना डजन मतलब क्या होता है ट्वेल्व होता है तो शाहरुख के पास ट्वेल्व बनाना है अमन हैज वन थर्ड ऑफ हाफ ऑफ बनाना मतलब एक डजन के अंदर कितने होते हैं ट्वेल्व होते हैं आपको बोले हाफ मतलब 6 हो गया और हाफ का बोल रहा है तो शाहरुख के पास शाहरुख तो के पास कितने टू ट्वेल्व एंड टू कितने हो गए ऑप्शन नहीं क्या दिस वन विल बी करेक्ट आंसर नाउ टू अपॉन सेवन प्लस फाइव अपॉन नाइन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इज डिड बाई सेवन नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया एटीन सिक्सटी थ्री इज डिवाइडेड बाई नाइन देन सेवन सेवन इज मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना थर्टी फाइव दोनों को ऐड किया कितना हो फिफ्टी थ्री डिवाइडेड बाय सिक्सटी थ्री देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सबट्रैक्ट करना है सबट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 8 एंड 12 8 एंड 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 24 नाउ 24 इज डिवाइडेड बाय 8 क्या आ जाएगा 3 3 इज मल्टीप्लाई बाय 7 देन आंसर बिकम्स बी कम्स 21 नाउ 24 इज डिवाइडेड बाय 12 2 2 इज मल्टीप्लाई बाय 9 देन आंसर इज 18 ट्वेंटी वन माइनस एटीन थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर कैंसल आउट हो गया वन टाइम कैंसिल आउट हो गया एट टाइम देन आंसर बिकम्स वन अपॉन एट वन अपॉन एट ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी अ करेक्ट आंसर ड्यूरिंग अ वीकेंड नोरा स्पेंड आवर्स स्टडिंग एक वीकेंड के वीकेंड के लिए बोल रहा है कि नोरा ने फाइव थ्री अपॉन फाइव आवर्स स्टडिंग की

ये आपको क्या दिया हुआ है फाइव थ्री अपॉन फाइव इसको क्या करेंगे इम प्रॉपर फैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ट्वेंटी एट अपॉन फाइव नाउ टू टू अपॉन थ्री इसको भी क्या करेंगे इम फ्रैक्शन फैक्शन अंदर कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा एट अपॉन थ्री दोनों का एलसीएम आ जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन इज डिवाइडेड बाय फाइव थ्री थ्री को मल्टीप्लाई किया एटी फोर 15 इज डिवाइडेड बाय 3 5 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 40 84 40 कितना आ जाएगा आपका 44 44 इज डिवाइडेड बाय 15 44 में जब 15 का डिवाइड करेंगे देन आंसर बिकम्स 2 14 अपॉन 15 सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ अ पर्सन बॉट 4 3 अपॉन 7 पॉइंट्स ऑफ 42 इफ नेक्स्ट डे

ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपको बोला हुआ है सारा रीसाइक टू अपॉन थ्री पेपर इन अ मंथ एक मंथ के अंदर सारा ने इतना पेपर किया था इफ अनदर अपॉन नाइन बॉक्सेस इन द नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ उसने फिर रिसाइकिल किया था कितना सिक्स फोर अपॉन नाइन वॉट इज द टोटल नंबर टोटल अमाउंट सी रिसाइकल्ड उसने टोटल कितना अमाउंट रिसाइकल किया था ये पूछना चाह रहा है देन

थ्री अपॉन फोर इंटू थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू थ्री नाइन फोर इंटू फोर सिक्सटीन देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू दी बॉटम नंबर ऑफ फ्रैक्शन रेफर टू नंबर का जो बॉटम होता है जो फ्रैक्शन होता, होता है उसका जो बॉटम होता है बॉटम को हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं देन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर टू अपॉन थ्री

क्लासरूम हाउ मच ब्लू पेंट डिड इच क्लासरूम गेट्स इच क्लासरूम को कितना गेट हुआ फाइव पॉइंट सिक्स आपका टोटल था और फाइव क्लासरूम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा यहां पे इसका जो आंसर है वो आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स गेलन नाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वॉट इज

अपॉन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी आपका सेवेंटी फाइव कैंसिल आउट हो गया थ्री टाइम थ्री टू हंड्रेड कितना हो गया थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड विल बी अ कर बी अ करेक्ट आंसर हेलो स्टूडेंट मैं सर्फ नीलेष प्लानिया मैथ फैकल्टी सी एल से शिखर आज जो टेक्नो ट्वेंटी थ्री का जो पेपर लगा सेकेंड फेज उसका आज हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से Find how many such pair of the letter are there in the given word, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet. मतलब word pair की regarding question है। तो हम लोग calculate करते हैं C के बाद में D E। तो एक pair बन गया F G H I Z। नहीं बना। आगे बाद में S T U V W X। नहीं बना। एक बाद में F G H I Z। नहीं बना। एक बाद B C D E। दूसरा pair बन गया। टी के बाद में यू वी डब्ल्यू आई के वन जे के एस के बाद में नहीं है ई e के बाद में नहीं अब इधर से चेक करते ई e के बाद में एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना एस के बाद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना आई के, के बाद में जे के एल एम एन फिर टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स ए के बाद में बी सी डी ई के बाद में एफ जी आर के बाद में एस नहीं है तो टोटल जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे दो पेयर टू पेयर वर्ड है यूजिंग कौन सा वर्ड नहीं बन सकता ये बताना है तो सबसे पहले एस यू सी टी आई वन बन जाएगा ये सी ए ए हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा ए नहीं दिखाई दे रहा तो ये नहीं बनेगा तो ये आंसर बनेगा फिर भी देख लेते हैं, इदर, बन रहे एन ओ टी आई ओ एन एस बन रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर द पोजीशन ऑफ द द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रैक्स आर रिमेन अनचेंज वैन दे आर अरेन्ज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी आर ए के ई एस इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले ए फिर बी फिर ई e, फिर के फिर आर फिर एस तो एक लेटर तो के है जो अनचेंज रहा है और एक लेटर एस है मतलब हमारे पास दो लेटर ऐसे हैं जो अनचेंज्ड रहे थ्री नाइन सिक्स फाइव एट आई होप आई थिंक दैट ये कॉमन का कंसेप्ट रहेगा तो आई का कोड हम लोग यहाँ से कंसिडर करते हैं आई थर्ड लेटर है मतलब सिक्स एन हमारे पास यहाँ से फर्स्ट लेटर है मतलब थ्री डी हमारे पास सेकेंड लास्ट है मतलब फाइव और आई हमारे पास थर्ड लेटर है मतलब अगेन सिक्स और ए हमारे पास लास्ट लेटर है मतलब एट तो ये बनेगा सिक्स नंबर सेकंड इज राइट आंसर इन कोड रॉड इज रिटन एज यू आर डी जी मीन्स प्लस थ्री फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन ए प्लस थ्री फोर एंड डी प्लस थ्री जी देन सेम पैटर्न रिटन दैट कोड एस प्लस थ्री नाइनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी टू वी डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री जेड अब हमारे पास ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो गया आप देखते हैं ए प्लस थ्री डी तो ये वाला ऑप्शन हो गया डिलीट इसे चेक करते हैं एन प्लस थ्री क्यों तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर अ मैन इज फेसिंग टू नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यही वाला डायरेक्शन बनेगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट he turns 90 degree to clockwise 90 degree to clockwise direction and 135 degree in anti clockwise direction matlab मतलब 90 degree to clockwise hoga aur 135 degree wo anti clockwise hoga to inhe cancel kiya to 45 degree anti clockwise hi hamare paas remainder raha which direction is facing to now matlab hame ise 135 45 degree se anti clock lena chahiye to 135 uh, sorry 45 degree anti clock lena chahiye तो हम नीचे की तरफ आए तो आंसर हो जाएगा वेस्ट ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर अ मैन वॉक वन किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एक किलोमीटर वो ईस्ट में देन ही टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक अ फाइव मीटर अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक अ टू मीटर आफ्टर दिस ही टर्नस टू नॉर्थ एंड वॉक का नाइन मीटर यहां से वो नॉर्थ में गया और नाइन मीटर डिस्टेंस चला नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना हमें तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो ये फाइव डिस्टेंस है तो ये फाइव है तो रिमाइंडर कितना रहा फोर और वन ये रहा टू ये रहा तो ये टोटल कितना बन गया थ्री तो ये कितना हो जाएगा फाइव क्योंकि फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को पाइथागोरस थ्योरम से अगर सोल्व करते हैं तो आंसर क्या जाएगा 5. और ट्रिपलेट भी है थ्री फोर फाइव नेक्स्ट ए इज फोर्टी मीटर टू साउथ वेस्ट ऑफ बी ए इज फोर्टी मीटर टू द साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन रहा साउथ वेस्ट ऑफ बी सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी सी इज साउथ ईस्ट तो यही तो रहा सी इज साउथ ईस्ट 40 मीटर मतलब ये तो है कि ए एंड सी बहुत सेम लाइन देन सी इज इन विच डायरेक्शन ईस्ट ईस्ट में तो रहा ना इज डायरेक्शन ऑफ ए साम सेम रैंक नाइन फ्रॉम द टॉप रैंक फ्रॉम द from फ्रॉम द टॉप एंड थर्टी एट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास थर्टी एट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास इनको सम कर देंगे तो तो ये हो जाएंगे टोटल तो तो कितने फाइंड द द द मिसिंग इन ऑफ फॉलोइंग तो यहाँ से ये प्लस थ्री है फिर ये प्लस फोर हो गया तो फिर हम प्लस फाइव करेंगे आई थिंक फोर्टीन आंसर फिर प्लस सिक्स किया फिर प्लस सेवन किया तो फोर्टीन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्टी सिक्स इन द

और फिर यहाँ से ये, दोन दो ये, दोनो ये दोनों तो सेम बन जाएंगे और ये दोनों अपोजिट फिर ये दोनों सेम और ये दोनों अपोजिट मतलब ये है कि ये वाली लाइन तो क्या है रही यहाँ से यहाँ सेम फिर यहाँ से यहाँ सेम फिर यहाँ से यहाँ सेम और जो इस फिगर के लिए ये अपोजिट और उस फिगर के लिए वो अपोजिट और ऐसा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं फेस ओपन नीचे मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर इन थर्टी सिक्स क्वेश्चन नेक्स्ट थर्टी सेवन स्टडी द फिगर बिलो केयरफुली वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच बिलोंग्स टू द थ्री फिगर्स ओनली ये एक सिंगल फिगर से सिंगल फिगर से है ये टू फिगर से सर्किल और स्क्वायर ये सिंगल फिगर से है सिंगल फिगर से है सिंगल फिग डबल फिगर से है स्क्वायर और दैट इन हेक्सागोन और सिंगल फिगर से सिंगल फिगर से डबल है ट्राइंगल ये वाला ये भी डबल फिगर से बट ये वाला ट्रैंगल स्क्वायर ट्राइंगल एंड सर्कल मतलब थ्री और ये वाला भी हेक्सागोन ट्राइंगल और सर्किल ये भी तो थ्री नाइन ट्वेंटी मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस। राधिका टर्न्स लेफ्ट मतलब हम लोग सबसे पहले हाउस से फिफ्टी मीटर साउथ में चले गोइंग फिफ्टी मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गो अनदर ट्वेंटी मीटर देन टर्निंग टू द नॉर्थ सी गोस थर्टी मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करेगी और थर्टी मीटर यहां से चलेगी एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस तो ये अपने घर की तरफ ऐसे चलने लगी यही तो ना इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा वेस्ट तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर स्टडी द फॉलोइंग नंबर सिक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन ये नंबर वाला हाउ मैनी ऑड नंबर आर देर इन दिक्वेंस इज इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ऑड नंबर मतलब हमें ऐसे और नंबर बताने हैं जिसके ठीक बाद में भी क्या होगा एक और नंबर सबसे पहले ये ऑड नंबर है इसके बाद ऑड नंबर है और नंबर है इसके बाद ऑड नंबर नहीं है ऑड नंबर है लेकिन इसके बाद भी ऑड नंबर है ऑड नंबर है इसके बाद में भी ऑड नंबर है और नंबर है इवन नंबर है ऑड है ये वाला भी ऑड के बाद इवन 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 ऑर्ड और फिर एक पैटर्न ये बन गया फिर हमारे पास ये ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ऑड है बट ऑर्ड नहीं फॉलो कर रहा ना तो यहाँ से ये भी नहीं बनेगा फिर ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा, बनेगा फोर से भी नहीं बनेगा थ्री से भी नहीं बनेगा फोर से नहीं बनेगा नाइन से नहीं बनेगा सिक्स से नहीं बनेगा तो हमारे पास टोटल ऐसे और नंबर जैसे ये और नंबर इसके बाद ऑड नंबर है ये और नंबर इसके बाद ऑड नंबर थ्री के बाद नाइन फाइव के बाद सेवन है थ्री के बाद वन है वन के बाद तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब हमारे पास मोर देन फोर हो गए सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर बट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर मतलब हमें ऐसे इवन नंबर चाहिए हमें क्या चाहिए ऐसा इवन नंबर चाहिए इस सिक्वेंस विच इज इमिडिएटली प्रेसिडेड बाई ऑड नंबर मतलब वो किससे पहले उसके पहले क्या आ रहा हो और नंबर बट इमिडिएटली फॉलोड बाई एन ईवन नंबर मतलब उसके बाद एक क्या आ रहा हो ईवन नंबर हमें ये वाली कंडीशन चाहिए तो उसी डायरेक्शन का हम फॉलो कर देखते हैं सबसे पहले मतलब हमें चाहिए ऑड इवन, इवन इवन ऐसा चाहिए ऑड इवन, इवन इवन ऐसा चाहिए हमें तो सबसे पहले ऑड इवन इवन नहीं है ऑड इवन इवन नहीं है ऑड है ही नहीं ऑड इवन इवन नहीं है ऑड इवन इवन नहीं है Odd, इवन इवन नहीं है odd है नहीं है odd, इवन इवन एक तो ये बन गया हमारे पास फिर ये odd नहीं है odd नहीं है odd, इवन इवन नहीं है odd, फिर ये इवन इवन नहीं है फिर ये odd, इवन इवन दूसरा ये पैटर्न बन गया फिर ये odd हमारे पास यहाँ से देखते हैं तो odd, इवन इवन नहीं है और फिर ये odd, इवन इवन नंबर ये यहाँ से पेयर बन गया फिर ओड नंबर ये रहा आगे नहीं बनेगा फिर आगे बन भी नहीं रहा

इज इक्वल टू होता है हंड्रेड मीटर एंड वन डेका मीटर इक्वल टू होता है टेन मीटर ठीक है हमारे को इसने दिया थ्री हेक्टा मीटर थ्री हेक्टोमीटर इक्वल टू हो जाएगा थ्री हंड्रेड मीटर प्लस फोर डेका फिर फेर फोर मीटर इक्वल टू हो जाएगा फोर इंटू टेन फोर्टी मीटर ठीक है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी थ्री एक्टो तो का थ्री हंड्रेड मीटर प्लस फोर डेकामीटर मीटर का हो जाएगा फोर्टी मीटर तो आंसर हमारा हो जाएगा थ्री फोर्टी मीटर थ्री फोर्टी मीटर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इसको जस्ट हेक्टोमीटर और डेकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था नेक्स्ट इफ ईच बैग ऑफ अ वीट वेज 29 किलोग्राम एंड 360 ग्राम व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सच नाइन बैग्स वन बैग्स का वेट कितना है वन बैग वन बैग वेट इज इक्वल टू 29 केजी एंड प्लस ग्राम तो मैं ऐसे करता हूँ इसको टोटल ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूँ तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ग्राम प्लस सिक्स थर्टी ग्राम ठीक है तो इसको अगर मैं ये टोटल ग्राम है और टोटल इनको केजी में लिखूँ तो हो जाएगा ये ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री ज़ीरो के जी ठीक है तो ये हो गया वन बैग का इन अब नाइन बैग का वेट हमें निकालना है नाइन बैग का वेट हमें निकालना है तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री जीरो इंटू नाइन कर दूंगा इज इक्वल टू इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू डबल सिक्स डबल सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ज़ीरो ठीक है ये के जी ये के जी में आ गया बेटा ठीक है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा टू सिक्सटी तो जी प्लस सिक्स सेवन ग्राम ठीक है तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा टू सिक्सटी सिक्स के जी प्लस सिक्स सेवेंटी ग्राम ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज फलक्रम फलक्रम क्या बेटा एक स्टेशनरी एक पॉइंट होता है जैसे हमारे पास ये लीवर है तो यहाँ जिस पे लीवर टिका होता है इसको हम फलक्रम बोलते हैं बेटा जो स्टेन जिस पे अराउंड जो लीवर आर्म है वो मूव कर सकती है ये होता है बेटा फलक्रम ठीक है ये पुशिंग फोर्स नहीं अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ लीवर ऑप्शन टू हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हाउ आर द फॉलोइंग सिमिलर लीवर इनक्लाइन प्लेन पुली व्हील। वी ऑल नो आर सिंपल मशीन ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब सिंपल मशीन है सिंपल मशीन क्या वर्ग को फास्टर एंड ईजियर बना देती है और इनमें कम पार्ट्स होते हैं और सिंपल मशीन को बोलते हैं ठीक कॉम्प्लेक्स मशीन गलत आंसर हो जाएगा फोर्सेज गलत हो जाएगा एनर्जी गलतर होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दे आर सिंपल मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द fulcrum इज कॉल्ड ये फलक्रम है ये लोड है ठीक है और यहां पे ये हमारा एफर्ट है और ये लोड है तो ये इसने पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्स है इसको क्या बोलेंगे तो इसको अगर लोड और फलक्रम के बीच में फलक्रम के बीच में अगर डिस्टेंस पूछा तो इसको हम लोड आर्म बोलेंगे ये हम एफर्ट आर्म हो जाएगी और ये हो जाएगी लोड आर्म तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लोड आर्म डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फुलक्रम इज लोड ठीक है ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर इज द नियरेस्ट नियरेस्ट टू सन सन के इसमेंट हम सब जानते हैं मरकरी होता है मरकरी सबसे नजदीक होता है ठीक है उसके बाद वीनस होता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन ऑन विच प्लान ग्रेविटेशनल पोल इज मैगज अर्थ सेकंड जुपिटर थर्ड मर्करी फॉर वीनस सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल बड़ा जुपिटर पे होगा क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है इसका वेट भी ज्यादा इसलिए ग्रेविटेशनल पुल प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा जुपिटर का होगा ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर होगा जुपिटर नेक्स्ट फिगर गेवन यू शो द फेजेस ऑफ द मून सेलेक्ट द फेजेस ऑफ द मून ड्यूरिंग विच द हाइएस्ट टाइड्स आर सी हमें या तो फुल मून के टाइम हाइएस्ट दिखेगी या न्यू मून के टाइम तो जहां जहां पर फुल मून और न्यू मून आ रहा है वहां पे हमारा हाइएस्ट टाइट्स होगा ठीक है हाइएस्ट टाइट्स पूछा तो फुल मून हमारे कहाँ है एक तो जे पर है ये हमारा फुल मून है और यहाँ पे एफ पर क्या है ये न्यू मून है और ये फुल मून फुल मून और न्यू मून के टाइम हाइएस्ट टाइट्स होता है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जे एंड एफ एफ एंड जे जिसमें आ रहा है वो हमारा सही आंसर होगा डी एंड एच गलत ई e, जी गलत एफ एंड जे हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा फोर्थ गलत हो जाएगा तो एफ एंड जे पे हाईएस्ट टाइड होगा ठीक है नेक्स्ट 49 अ हॉर्स इज पुलिंग अ टोंगा दिस इज एन एग्जांपल होगा अगर हॉर्स किसी को पुल कर रहा है क्या होगा रेस्ट होगा नहीं ये गलत हो जाएगा एनर्जी नहीं डिस्टेंस नहीं अगर पुलिंग आ गया है तो पुलिंग क्या होता है पुलिंग और पुशिंग क्या होता है फोर्स होता है तो इसका ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिंग ए टांगा इज फोर्स हो जाएगा और फोर्स लगा टांगे पे तभी, तभी वो मूव कर पा रहा है क्या होता है वर्टिकल फोर्स होता है जो कोई लिक्विड किसी बॉडी पे एग्जर्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल नहीं होता मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल्स बीच में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है हम फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम मूव करना स्टार्ट करें हम क्या करते हैं बैकवर्ड पुश करते हैं ग्राउंड को ठीक है और पुशिंग होता है वो फ्रिक्शन की वजह से अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप हो जाएंगे हम मूव ही नहीं कर पाएंगे तो अगर हम चल पा रहे हैं इजीली तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल पा रहे हैं ठीक है टू ये गलत हो जाएगा ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच हेलो नमस्कार मैं हंसराज टीम केमिस्ट्री सी एल सी सीकर से पहला जो सवाल है सवाल जो बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी विच इज मेड बाय द मोमेंट ऑफ वाटर पानी की गति से बनने वाली जो बिजली है उसको आप क्या बोलोगे आप तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है सूर्य की जो किरणें आती हैं सूर्य की किरणें जब यूज करते हो सूर्य की किरणों को यूज करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो इसको बोलोगे आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी अगर हवा जो पवन ऊर्जा जो होती है आपको पता है जो पहाड़ जो होते हैं पहाड़ों के बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं कई बार देखा होगा आपने तो ये जो होती है हवा जब चलती है तो इसके पीछे डायनोमो लगा होता है तो इसको बोलोगे आप विंड इलेक्ट्रिसिटी और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है आप इसको न्यूक्लियर एनर्जी जो बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हो आप न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी लेकिन यहां पर बात जो चल रही है जल की गति से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी होगी इसको आप बोलोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो जो वर्ड होता है बेसिकली के लिए यूज होता है पानी के लिए जो वर्ड होता, होता है यूज होता है हाइड्रो ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल जो है बोल रहा है द फुल फॉर्म ऑफ सी एनजी सीएनजी का पूरा नाम कौन सा होगा तो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है उसको आप बोलते हो सी एन जी सी एन जी सी एनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके इसका बनाया जाता है बेटा अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल बोल रहा है आपके पास कि एलपीजी का पूरा नाम होगा फुल फॉर्म होप एलपीजी एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विड आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है इसको आप बोलते हो एलपीजी ठीक है ओके okay. ऑप्शन क्या आएगा इसका सेकंड ऑप्शन आएगा हाँ, अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल जो बोल रहा है कि वेन ए गैस कैन इंटू द लिक्विड इट कॉल्ड इट जब गैस द्रव में चेंज होगी ठीक है गैस से आप लिक्विड बनाओगे तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको क्या बोलोगे आप देखो आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन का बत, आपके पास दे रखा है ई वेपराइजेशन ई वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण का मतलब होता है कोई भी लिक्विड जो होता है जैसे आपके पास एस टो है एसटो अगर लिक्विड है अगर आप इसको गर्म करोगे आप जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो आपको पता है जो पानी जो है वाष्प में चेंज होगा गैस में चेंज होगा ठीक है तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड से गैस बनने की जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलोगे में बोलोगे आप इसको क्या बोलोगे वाष्पीकरण बोलोगे तो आपका जो ऑप्शन है ये तो नहीं आएगा क्योंकि बात जो कर रहा है उल्टी कर रहा है गैस से लिक्विड बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है, है? तो अगला ऑप्शन है सोलिडिफिकेशन सोलिडिफिकेशन का मतलब है आपके पास कोई भी लिक्विड है जैसे आपके पास एस टू है जब आप इसको ठंडा करोगे आप इसका टेम्परेचर क्या करोगे कम करोगे आप तो इसका जब टेम्परेचर कम करोगे तो आपको पता है जो पानी जो है पानी जो किसमें चेंज होगा बर्फ में चेंज होगा आइस में चेंज होगा तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हो सोलिडिफिकेशन बोलते हो सोलिड का बनना सोलिडिफिकेशन उसको क्या बोलते हो हिंदी में जमना बोलते हो बेटा जमना तो ये भी क्या आएगा ये भी नहीं आएगा ऑप्शन मेल्टिंग का मतलब होता है आपके पास कोई भी सोलिड है सोलिड जैसे मान लो ऐसी है आयरन है आयरन की कोई छड़ है इसको आप गर्म करो ये सोलिड स्टेट में होती है आपको पता है ये सोलिड स्टेट में होती है आयरन की छड़ जब इसको आप गर्म करोगे तो जो लोहा है क्या निकलेगा पिघलने लगेगा लोहा जो है इसमें पिघलने लगेगा तो जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा इसको आप क्या बोलते हो आप मेल्टिंग बोलते हो बेटा ठीक है इसको क्या बोलते हो आप सोलिडिफिकेशन बोलते हो आप लेकिन जो बात कर रहा है गैस से जब लिक्विड बनाओगे आप तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप गैस जो है जब लिक्विड में चेंज होगी इसको आप बोलते हो क्या, आएगा, इसका? का में होना, क्या होता है कंडेंसेशन ऑप्शन क्या आएगा सेकंड ऑप्शन ओके अगले सवाल की अगर बात करें कि जो भी डायग्राम दे रखा है तो इसके माध्यम से इसके आधार पर आप सही जो ऑप्शन है उसको क्रिक करना है तो देखो इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से ये यहां पर मैटर दे रखा है ये सोलिड है ये लिक्विड है ये गैस दे रखा है सवाल जो बोलना चाह रहा है सब में मैटर दे रखा है देखो सब में मैटर दे रखा है सब में मैटर है सवाल पूछना चाह रहा है मैटर जो होता है वो क्या होता है बात सुन रही मैटर जो होता है आपको पता है मैटर जो होता है लिक्विड भी हो सकता है कोई भी पदार्थ जो है पदार्थ जो है लिक्विड भी हो सकता है पदार्थ जो है सोलिड भी हो सकता है और पदार्थ जो है गैस स्टेट में हो सकता है देखिए आसपास में जो भी मटेरियल आपके आसपास आप गौर से देखोगे आप तो आपको पता लगेगा या तो गैस है वो या सोलिड है या फिर लिक्विड है या तो गैस है या लिक्विड है या फिर सोलिड है जैसे हम बात करें पानी आपके पास है एस्ट गो जो है पानी जो है आपको पता है किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में होता है दूध मान लो मिल्क जो है क्या हुआ है मिल्क क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ऐसे ही अगर बात करें जो पत्थर जो होता है स्टोन जो होता है क्या होता है सोलिड होता है ठीक है जैसे आपके पास मार्कर है मार्कर की अगर बात करें तो मार्कर क्या है? एक प्रकार का सोलिड फॉर्म में है आपके पास पेन जो है क्या है एक प्रकार का सोलिड फॉर्म में है और जो नाइट्रोजन जो होती है हाइड्रोजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है मेसिल गैस होती है तो कोई भी मेटेरियल जो होगा या तो गैस होगा या सोलिड होगा या फिर लिक्विड होगा

गैसे होती हैं उनकी मात्रा इस तरीके से दी गई है ठीक है तो जो बात करना चाह रहा है डी क्या होगा डी पूछना चाह रहा है आपको पता है एटमोस्फियर जो होता है एटमोस्फियर में वातावरण में सेवेंटी एट परसेंट जो होती है नाइट्रोजन होती है और ट्वेंटी वन परसेंट जो होती है क्या होती है ऑक्सीजन होती है आपको पता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो नोबल गैस होती है जीरो पॉइंट जीरो थ्री के आसपास होती है

कि आइडेंटिफाई डी डी को आइडेंटिफाई करना है डी का मतलब क्या है तो डी का मतलब भाई साहब यहां से क्या आ रहा है नाइट्रोजन ना आ रहा है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका नाइट्रोजन आएगा ऑप्शन क्या आएगा इसका थर्ड वाला आएगा ओके अगले सवाल की अगर बात करें अगला जो सवाल है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो वातावरण है इसको आप क्या बोलते हो बिल्कुल सिंपल सवाल है वातावरण बात, को क्या बोलते हो आप एटमोस्फियर बोलते हो आप इसको वायुमंडल बोलते हो वायुमंडल बोलते हो बेटा हवा का जो आवरण है पृथ्वी के चारों ओर उसको क्या बोलते हो वायुमंडल बोलते हो उसको एटमोस्फियर बोलते हो आप अगर अगले सवाल की अगर बात करें तो बोला चाह रहे हैं मोलिक्यूल इज मेडअप ऑफ कहने का मतलब है मोलिक्यूल जो है किससे बने होते हैं देखो मान लो आपके पास एस्टो है एस्टो की बात करें तो एस्टो पानी की जो बात करें तो पानी में आपको पता है हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है ऐसे अगर बात करें ना ये अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो होता है क्या होता है इसमें नाइट्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है बात सही नहीं ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सी ओ टू होता है तो सी कार्बन है इसमें ओ मतलब ऑक्सीजन है इसमें ठीक है तो जो ये जो है एस टू हो गया एनएस टी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये जो बातें हैं ये बात चल रही है मोलिक्यूल के बारे में तो ये क्या है मोलिक्यूल है और मोलिक्यूल जो है किससे बने होते हैं ये जो है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन हो गया हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया ये सब जो है एटम होते हैं क्या होते हैं एटम होते हैं कहने का मतलब जो है अगर एटम जो है एटम के साथ मिलता है एटम जब एटम के साथ मिलेगा तो इस, इसको आप क्या बोलोगे मॉलिक्यूल बोलोगे बेटा इसको क्या बोलोगे मॉलिक्यूल बोलोगे आप तो कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल जो है किससे बना होता है एटम से बना होता है ऑप्शन क्या आएगा इसका एटम सेकेंड ऑप्शन अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल है बिल्कुल सिंपल सवाल है सवाल की बात करें तो बोल रहा है कहने का मतलब है जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है सवाल बिल्कुल सिंपल है जब आइस जो है आपको पता आइस जो होती है लिक्विड नहीं सोलिड एस्टू होता है आइस क्या होती है H2 होता है आपको पता है जब इसको गर्म करोगे आप इसका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगेगा तो लेकिन किसी बनेगा लिक्विड फॉर्म बन जाएगा बात सही है नहीं तो सोल्ड एस्टो जो है किसी में चेंज हो गया लिक्विड में चेंज हो गया इसको क्या बोलते हो आप आइस बोलते हो आप इसको गर्म किया आपने इसका कियाचर बढ़ाया आपने तो क्या बन गया लिक्विड एस्टो बना H2 बन गया तो क्या बन गया लिक्विड वाटर बन गया जल बन गया ओके ठीक है अगर हम केमिस्ट्री के लास्ट सवाल की अगर बात करें तो सवाल जो है बिल्कुल सिंपल है कि what happen when a piece of wood burned, कहने का मतलब है जब लकड़ी को जलाओगे आप तो क्या होगा आपको पता है कम्बंसन जो है कम्बंसन जो है ठीक है ईंधन का जो दहन जो है लकड़ी का जलना जो है आपको पता है कार्बन होता है, उसमें कोई भी लकड़ी जो होती है उसमें कार्बन होगा अब जब कार्बन की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी किसी पदार्थ को जब जलाओगे तो आपको पता है उसमें कार्बन होता है और कार्बन जो होता है उससे बनेगा सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड और जलेगा तो हीट रिलीज होगी और तो क्या होगी हीट रिलीज होगी तो इसको बोलते हैं कमसर इसको बोलते हैं बर्निंग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जलना बोलते हैं इसको जब पदार्थ को जलाओगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट बनेगी कहने का मतलब ये कार्बन जो है कार्बन नहीं रहा इसका संगठन चेंज हो चुका है ये कार्बन नहीं रहा ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है कहने का मतलब है इसका जो केमिस्ट्री जो है इसकी जो केमिकल केमिकल्पोजन है कार्बन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ये वुड वुड नहीं रहा अब ये धुआं बन चुका है वुड वुड होती है धुआं धुआं होती है ये अलग केमिकल अलग टाइप का केमिकल है और ये जो है अलग टाइप का केमिकल है बात से मैंने क्या तो ये होगा एक प्रकार का केमिकल चेंजेस ऑप्शन क्या इसका सेकंड आएगा बेटा ओके शुक्रिया थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स सेल्फ सुबोध शर्मा सी एल से आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सी एल सी टेक्नो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का क्लास फिफ्थ का बायोलॉजी का पोर्शन तो एक ही करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें फर्स्ट क्या है बैट इज ऑड इन गिवन ग्रुप ऑफ एनिमल बिकॉज इनमें बैट अलग क्यों है इन जितने भी दे रखे हैं जैसे इसमें फर्स्ट है हैन है सेकंड पिजन सॉरी पेंगुइन है एंड थर्ड सेकंड थर्ड इज ए बर्ड है फोर्थ इज ए बैट तो इसमें बर्ड अकेला अलग क्यों है क्यों है इसमें ऑप्शन देखते हैं इज कार्निवरस हंड्रेड नाइन कैन फाइव एंड फोर्थ इज ए मेमल्स क्यों क्योंकि बैट क्या होते हैं मेमल्स होते हैं और मेमल्स इज नॉन एज ए वी क्या होते हैं वी होते हैं और वी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और चाहे हैन हो चाहे पेंगुइन हो चाहे कोई बर्ड हो ये सारे के सारे क्या होते हैं ओविपोरस और ओविपोरस होते हैं अंडे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर देयर विंग्स ऑफ बर्ड्स आर देयर विंग्स का मतलब होता है जिससे बर्ड्स उड़ते हैं फ्लाई करते हैं वो क्या होते हैं फोर लिम्स होते हैं क्या होते हैं बेटा फोर लिम्स होंगे क्या होंगे फोर लिम्स नेक्स्ट वी हैव सेंस ऑर्गन्स हाँ हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो इसका एग्जाम आंसर क्या जाएगा फाइव वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन ऑप्शन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन प्रोवाइड फास्ट एनर्जी टू द बॉडी फास्ट एनर्जी टू द बॉडी प्रोवाइड फॉलोइंग सब्सटेंस ये जितने भी सब्सटेंस रखें इनमें सबसे जल्दी अपनी बॉडी के अंदर किसकी वजह से एनर्जी आती है फास्ट एनर्जी टू द बॉडी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्लूकोज ग्लूकोज पीने से अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी नेक्स्ट पिच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन अवर नी नी होता है बेटा क्या आपके घुटने कुटनों में किस तरह का जॉइंट होता है जब अपन बॉडी मूवमेंट पढ़ते हैं तब उसमें अपन डिफरेंट टाइप के क्या पढ़ते हैं जॉइंट्स पढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या होगा हिंग जॉइंट कौन सा हिंग हिंज जॉइंट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन इंसेक्ट इटिंग प्लांट ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि किसको खाता है इंसेक्ट को खा जाता है अब वो कौन सा है ऑप्शन देखो कॉटन प्लांट है पिक्चर प्लांट है बेंबू प्लांट है और वाटर मेलन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पिक्चर प्लांट हो जाएगा क्या हो जाएगा इस प्लांट ऑप्शन नंबर सेकंड देखो इन प्रॉपर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है इन प्रॉपर कंडीशन फॉर जर्मिनेशन विच पार्ट सीड्स हु ग्रो फर्स्ट सबसे पहले कौन सा प्लांट का पार्ट ग्रो करता है जब अपन किसी भी सीड को ग्रो करवाते हैं ग्रो करवाने के लिए जब से उसको अपन सोयल के अंदर बोएंगे तो सबसे पहले जो प्रोड्यूस होने वाला फर्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा वो होता है मुलांकुर क्या बोलते हैं इसको मुलांकुर या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे वो रेडिकल बोल देंगे क्योंकि जब तक रूट्स नहीं निकलेगी और रूट्स नहीं निकलेगी तो ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा और वाटर और मिनरल्स को ऐब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है किसकी बेटा रूट सिस्टम की किसकी रिक्वायरमेंट होती है रूट सिस्टम की ठीक है और रूट सिस्टम की वजह से ही जैसे ये अपनी वाटर और मिनरल्स ग्रो करेगा उसके बाद में प्लूमल ऊपर वाला सूट सिस्टम अपने आप ग्रो होने लग जाएगा तो इसका सही आंसर क्या है रेडिकल 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 कौन सा पार्ट है फर्स्ट पार्ट है जो कि सीड जर्मिनेट के टाइम पर सबसे पहले क्या करेगा ग्रो करेगा जर्मिनेट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वैष्णवी हैज गो इल वैष्णवी क्या होगी बीमार हो गई है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए क्या उसको मेडिकल मेडिसिन लेना चाहिए टेक मेडिसिन हर से अपने आप ही मेडिसिन लेनी चाहिए डॉक्टर के पास में जाना चाहिए डैमेज टॉयस एंड क्लोथ्स अपने जो कपड़े हैं और खिलौनों को तोड़ना फोड़ना चाहिए फाइट विथ ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने भाई बहनों के साथ में लड़ाई करना चाहिए तो ये इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा गो टू द डॉक्टर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के पास जाए और उसकी उसको डॉक्टर क्या उसको चेक करके दवाई दे सके नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वी राइड ए बाईसाइकिल वी शुड अपन क्या कर रहे हैं बाईसाइकिल चला रहे हैं तो अपन को क्या करना है अपन को करना क्या है ऑलवेज बी अ सेंटर ऑफ द रोड सेंटर के बीच में चलेंगे क्या अपन साइकिल लेके zig zag चलना है आड़े तिरछी रोड में इस तरह से थोड़ा ना चलेंगे अपन लोग या फिर कोई सेंटर में थोड़ा ना चलेंगे सड़क के None of these में से कोई इसका आंसर क्या है सही आंसर क्या है कीप स्ट्रेट लेफ्ट साइड में हमेशा जब भी अपन सड़क पर चलें तो हमेशा अपन को कौन से डायरेक्शन में कौन सी साइड में चलना है कीप लेफ्ट साइड चाहे वो अत्यधिक वक्त हो बेटा चाहे वो जाते वक्त हो दोनों ही साइड में अपन को लेफ्ट साइड में ही चलना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फायर शुड बी एग्जी बाय बिजली की बिजली की आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फायर या फिर किसके द्वारा तो उसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन क्लोराइड इस कार्बन क्लोराइड के थ्रू आग को बुझाया जा सकता है ओके थैंक यू